Ya lo voy a hacer. मैं बता रहा हूँ आपको फोर शिगो क्लच प्लेट के बारे में। ये क्लच प्लेट क्या है, कई बार उल्टी लग जाती है क्योंकि दोनों साइड से इसका पता नहीं लगता कौन सी साइड बाहर आएगी अंदर आएगी। ये क्लच प्लेट है जो आपको दिखाई दे रही है, इस पर ये साइड आ रहा है, ये साइड अंदर की तरफ आएगी। ये कई बार ऐसे लग जाती है। सही लगाने का तरीका ये है, इसकी जो क्लच प्लेट है फोर्ड फिगो की, फोर्ड फिस्टा और इको स्पोर्ट्स की, जो उल्टी लगती है इसकी ऐसे आएगी। और इस पर लिखा हुआ है अच्छी तरह से पी साइड, देखो ये देखो पी साइड इस पर लिखा हुआ है। तो लगाने से पहले एक बार अच्छे से चेक करके लगाएं, उल्टी लगने के बाद गियर लगने में बहुत समस्या आती है और इसका गियर बॉक्स फिर दोबारा आपको उतारना पड़ेगा। ऐसे लगेगी, इसको अच्छे से ऐसे लगाएं। ये साइड इसकी जो साइड दिखाई दे रही है, ये प्रेशर प्लेट है इसकी, ये जो वैल्यू का सेट है। अब अच्छे ये साइड है जो गेयर बॉक्स की साइड होना चाहिए। अनलिमिटेड कॉल 4 GB डाटा सेशन, क्योंकि लगाने में कई बार दिक्कत आ जाती है और बाद में सबसे बड़ी समस्या होती है वही काम बार बार करना। तो इस पर लिखा हुआ है पीपी साइड, वो आपको फाइव की तरफ करना है। ये है, हमने इसको फेस लगवाया, इसको फ्लाईव्हील को इसको ऐसे लगाना है। अब जैसे आपको दिखाई दे रही है फ्लाईव्हील पे लगा के अच्छे से, इसको एक मिनट में क्लच प्लेट लगा रहा हूँ, इसको लगा के रखना है ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे सही आएगी, इसका सेंटर है बिल्कुल सही कर लेना है, जो कि गियर बॉक्स बिल्कुल सही से आ रहा है, क्योंकि गियर लगाने में दिक्कत नहीं होती। फिर ये 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, अंदर से 12 नंबर के होते हैं क्लच प्लेट के। ऐसे बिल्कुल सही आएगा, इसका सेंटर लगा के अच्छी से बढ़िया से इसको टाइट करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। जो पीपी साइड है वो आपको अंदर रखना है और जिस पे कुछ लिखा नहीं है वो साइड आपको बाहर रखनी है, ठीक है।